अब हमारे साथ है भाईजान थैलेसीमिया, सही है। थैलेसीमिया देखो ये आरबीसी है ना, आरबीसी ओके, आरबीसी हमारे साथ इसकी जो एक आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म प्लाज्म और एक इसमें क्या होता है एचबी हीमोग्लोबिन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बने हुए हैं? लिपिड से और लिपिड प्लस प्रोटीन प्रोटीन ओके, इससे फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड ओके। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी हमारे साथ किस में? अमाइनो एसिड में। ये इज भी, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, सही है। इजबी से हमारे साथ क्या एक ग्लोबिन चेन आएगा, ग्लोबिन सही है, ग्लोबिन अमाइनो एसिड आ जाएगा, सही है। और हमारे साथ उसकी ग्लोबिन की दूसरा हीम होता है हीम। अब जो हीम है इसमें हमारे साथ एक है आयरन, सही है, आयरन ठीक है, पेरस्पाम ओके, इसको डाइवेलेंट आयरन को हम पेरस आयरन, डाइवेलेंट आयरन को हम पेरस, ये हमारे साथ जीएटी में क्या वहां से सिर्फ पेरस्पाम ही एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ पेरस्पाम ही एब्जॉर्ब होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ट्राइवेलेंट जो आयरन है उसको बाइवेलेंट में चेंज करने के लिए हमारे साथ विटामिन सी चाहिए और विटामिन सी हमारे साथ सिट्रस फूड में होता है, सही है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फूड के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, सिट्रस फूड, और अगर पूछे कि कौन सा विटामिन इंक्रीज करता है, दैट इज विटामिन सी, क्योंकि ट्राइवेलेंट को डाइवेलेंट में चेंज करना, ट्राइवेलेंट आयरन को डाइवेलेंट में चेंज करना किसका काम है? ये काम है विटामिन सी की, ये काम है विटामिन सी की। अब हीम जो हमारे साथ है, हीम एक आयरन और दूसरा हमारे साथ किसमें? पोरफायरिन में, पोरफायरिन, ये पोरफायरिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये हमारे साथ किस में चेंज होता है? बिलीवर्डिन में, वर्डिन, और बिलीवर्डिन हमारे साथ चेंज हो जाता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन अगर हमारे साथ बॉडी में इंक्रीज हो जाए, दैट इज नोन एज जैंडस ओके, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो जैंडस नॉर्मल वैल्यू बिलीरुबिन की कितनी थी? 1.2 ओके। अगर 1.2 से हमारे साथ 2 तक हो जाए, इसको हम हाइपरबिलीरुबिनेमिया बोलते हैं, एग्जैक्टली फ्रॉम 1.2 टू 2, दैट इज हाइपरबिलीरुबिनेमिया। अगर इंक्रीज कर जाए 2 से और हमारे साथ जस्ट स्केलेरा में डिपॉजिट हो, ओनली स्केलेरा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। और अगर 2 से इंक्रीज है लेकिन सारे बॉडी को, स्किन को, म्यूकोजा को, सब बॉडी में डिपॉजिट हुआ है, दैट इज नोन एज जॉइंट्स। तो हाइपरबिलीरुबिनेमिया, एक्ट्रस एंड देन जॉइंट्स ओके। आज हमारा जो मेन फोकस है ना, दैट इज ऑन द ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ओके, ऑन द थैलेसीमिया, सही है। तो थैलेसीमिया हमारे साथ क्या है कि हीमोग्लोबिन में दो तरह के डिजीज है, ऑलरेडी हम मैंने बोला है, एक हमारे साथ इसकी क्वांटिटी में, सही है, क्वांटिटी में फर्क आ जाए, और दूसरा क्वालिटी में, क्वालिटी में फर्क आ जाए। अगर हमारे साथ इसकी किस में, हमारे साथ इसकी क्वांटिटी में, मकदार में कमी आ जाए, दैट इज थैलेसीमिया, दैट इज थैलेसीमिया ओके। और अगर हमारे साथ इसकी क्वालिटी में फर्क आ जाए, दैट इज सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज, या दूसरा है एचबीसी, हीमोग्लोबिन सी।
अब जो ये थैलेसीमिया है ना भाई, मिकदार में कमी है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो क्वांटिटी हेमोग्लोबिन किस चीज से बना हुआ है? हमारे साथ HbA के डिफरेंट टाइप्स है, एक हमारे साथ है HbA फीटल हेमोग्लोबिन। फीटल हेमोग्लोबिन में कौन से ग्लोबिन चेंज होते हैं? दो अल्फा और दो गामा। दूसरा एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हेमोग्लोबिन में हमारे साथ एक हो गया HbA में, एक हमारे साथ क्या आता है HbA में, हमारे साथ HbF। HbF में हमारे साथ टू अल्फा सही है प्लस टू गामा ओके। और दूसरा होता है HbA। HbA मीन एक एडल्ट हेमोग्लोबिन, तो एडल्ट हेमोग्लोबिन में HbA1 होता है, एक HbA1। HbA1 बना हुआ होता है टू अल्फा ओके, टू अल्फा प्लस टू बीटा ओके, टू बीटा। और एक होता है HbA2। HbA2 में हमारे साथ टू अल्फा और टू डेल्टा होता है, टू डेल्टा ओके। तो HbA2 हमारे साथ 3% होता है, HbA1 हमारे साथ 9% होता है। और ये फीटल हेमोग्लोबिन हमारे साथ चेंज होता है एडल्ट हेमोग्लोबिन में आफ्टर 6 मंथ ओके। एट द 6 मंथ ऑफ द एज ये हमारे साथ किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट हेमोग्लोबिन में ओके। अब जन ये तो क्वांटिटी में थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटी में कमी आ रही है, तो ये तो अल्फा चेन में भी कमी आ सकती है और बीटा चेन में भी कमी आ सकती है। अगर अल्फा चेन में कमी आ जाए, अल्फा चेन में कमी आ जाए, दैट इज अल्फा में कमी आ जाए, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा में कमी आ जाए, दैट इज बीटा। अल्फा में कमी आ जाए या बीटा में, सही है, अल्फा में कमी आ जाए दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में कमी आ जाए दैट इज बीटा थैलेसीमिया ओके। ये समझ आ गया?